हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सही होंगे। आप लोग इसे थंबनेल पर देख चुके होंगे कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। अरे और एक बात बताने वाला हूँ आप लोगों को, जो बहन बा कोई दीदी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और कोई भाई भी जब देख रहे हैं, दादा भी जब देख रहे हैं, अंकल भी जब देख रहे हैं, इस वीडियो को पूरा ज़रा सर देखिए, ठीक है? क्योंकि इस वीडियो में मैं चीज बताने वाला हूँ जो आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन आप जो कर रहे हो ना वो बहुत ज़्यादा से गलती कर रहे हो, जैसे आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, ठीक है? मैं दो तीन दिन पहले एक इंस्टाग्राम पर पिक्चर पब्लिश किया था, जो उस पिक्चर में लिखा था IIT लव, ठीक है? उस पिक्चर में मुझे बहुत बड़ा मैंने भला बुरा बहुत कमेंट किया था दो तीन बंदे ने। जो एक बंदे ने बोला था, भाई आपको लव के बारे में पता क्या है? ठीक है, लव क्या होता है आपको मालूम नहीं है सर? ठीक है, मुझे मालूम नहीं है तो आप बता दीजिए लव क्या होता है, बोल पाओगे सर? नहीं ना, कौन है? आप बोल नहीं पाओगे, लेकिन मुझे बोल रहा है लव का आपको पता नहीं। यार आपको जब पता है तो मैं कमेंट में ज़रूर बोल दीजिए, ठीक है? आपको कमेंट में ज़रूर बोल दीजिए जो भाई लव ये होता है, ठीक है? मैं अभी के जैसे बोलना चाहता हूँ एक लव के वजह से ना, मैं जो बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुन लीजिए। भैया देवर भाई, अभी के जनरेशन में जो लड़का लड़की जो लव कितना अट्रैक्शन होता है ना, वो बहुत गलत चीज़ है। और लव के वजह से कितना चीज़ होता है ना, एक रिश्ता बिछड़ जाता है। जो कोई भी हम लोग को रिश्ता बनाना चाहिए बाप माँ भाई से, अंकल अंकल से, रिश्ते से, जो रिश्ता बनाना चाहिए हम लोग को तोड़ देते हैं, ठीक है? हम लोग तोड़ देते हैं। एक भाई के दिन में हम लोग नफरत पैदा कर देते हैं, पिता के दिन में हमारे पति एक नफरत पैदा कर देते हैं, ठीक है? माँ के पति एक नफरत पैदा कर देते हैं। हालांकि माँ नफरत नहीं करेगी, आपको चाहती रहेगी, ठीक है? नफरत नहीं पैदा करेगी, लेकिन एक लड़की के लिए हम लोग माँ को छोटा बड़ा, पिता को छोटा बड़ा सब बोल देते हैं, हर किस्म की बात बोल देते हैं। एक भाई को मार भी हाथ भी उठा देते हैं, ठीक है? तो एक चीज़ ध्यान रखना, आप जो लव करते हो ना, लव कुछ नहीं होता है। अभी के जनरेशन लव कुछ नहीं है, लव एक मोह माया है। जो प्यार हम लोग करते हैं, प्यार एक मोह माया है, प्यार में कुछ नहीं है, ठीक है? प्यार बस तीन लोगों से होता है मालूम है, एक सफ़ेद लड़की एक सफ़ेद लड़का से प्यार होता है, एक सफ़ेद लड़की एक सफ़ेद लड़का से प्यार होता है, एक सूट और बूट वाला लड़का एक जींस पेंट वाली से प्यार होता है, ठीक है? एक मुस्कुराने वाली लड़की के साथ मुस्कुराने वाला लड़का से प्यार होता है। एक कुछ नहीं है, एक मुस्कुरा अभी के दिन से एक चीज़ बहुत तेज बोले, मैं जा रहा हूँ किधर घूमने, मुझे किधर लड़की देख के मुस्कुरा दी है। फिर से मेरे फ्रेंड को बोला, बोला कि मुझे देख के मुस्कुरा दी है, मुझे लव हो गया लगता है, ये तो पूरा जाता देखे। मुस्कुराता है कौन, किसको देखते? जो करके देखिए मुस्कुराता है कोई भी, ये तो देखो भाई मैं कैसा दिखता हूँ, वो तो कोई देख लो, जो करके भी देखते मुस्कुराते हैं भाई सारा दिन, ठीक है? हमारा कोई मुस्कुराता नहीं। और आजकल की जो बहन और भाई जो एक चीज़ सोचते हो ना, जो मेरी गर्लफ्रेंड अच्छी है, मेरा बॉयफ्रेंड अच्छा है, ठीक है, मुझे खिलाता है घुमाता है, एक चीज़ याद रखना, अभी के ज़माने में ना कोई किसी का भला ही नहीं चाहता है। और कोई किसी का हेल्प करता है ना, उसके बदले बहुत कुछ सोच के रखता है। आपको जब कोई आपका जब बॉयफ्रेंड आपको जब 10 रुपये की कैंडी ला के देता है ना, तो उसका सोच बहुत दूर तक रह जाता है, ऐसा समझो। आपको जब कोई आपका बॉयफ्रेंड आपको 10 रुपये कैंडी देता है ना, उसका सोच कितना दूर तक रहता है, आप समझ सकते हो आप उसका कितना दूर तक रहती है। और जो लड़की आपको गुलाब देती है, पास एक कैंडी रहती है, पूजा दिए, उसका भी सोच बहुत दूर तक रहता है, ठीक है? लड़कियों को मालूम है मैं उसको 10 रुपये कैंडी देगा तो मैं उसको जो बोलूँगा वो नहीं कह नहीं पाएगी। और लड़की को मालूम है मैं उसको अच्छे से बात करूँगा, उसे कैंडी मिलता मैं जो उसे बोलूँगी, जो उसे मांगूंगा वो नहीं कह पाएगा, नहीं कह पाओगे, ठीक है? तब उधर एक एक्सपेक्शन आपकी इमेज उधर आ जाएगी, जो मैं उसे वो मांगा है मैं उसे नहीं दे पाया, वो मुझे बहुत चीज़ दी है, उधर एक ये इमेज की बात एक्सपेक्शन आ जाएगी, ठीक है? तब हम लोग नहीं, ठीक है ले लो जो चाहिए ले लो, हम लोग बोल देंगे। उस पोजिशन में एक लड़की की लाइफ बर्बाद हो रही है, एक लड़का की लाइफ। और जो लड़का भी बाहर काम पे निकल चुका है, पढ़ाई बंद कर दिया है, ये उन लोग के अभी बहुत ज़्यादातर एक्सट्रैक्शन है। स्मार्टफोन लेके लड़की देखी ना देखी फोन आ गया, कॉल आ गया, लड़की देखी या ना देखी उसने जरूरत नहीं, कॉल आ गया, हाँ हेलो, हाँ हेलो, हाँ मेरा नंबर आप नोट कर लो थोड़ा, इतना ये देखना, ये ज़्यादातर लोगों में एट्रैक्शन है, ज़्यादातर लड़की देखने की नहीं कॉल आ गया उसके पास,
समझे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। लव में माँ बाप आज सभी से रिलेशन तोड़ देता है, सभी से कुछ अच्छा नहीं रहता है रिलेशन। माँ बाप आज में लव ऐसे किसी को रिलेशन बनाता नहीं, रिलेशन बर्बाद कर देता है। अरे एक चीज़ आपको नोटिस कर दी, देखिए कोई लड़की जब कोई लड़का के साथ भागते आ सकती है उस लड़के के लिए, तो उस लड़की ठीक है, मैं पूरा आपको समझा दीजिए। कोई बाप माँ के पास से एक लड़की, उसकी बाप माँ उसको 18 साल प्यार किया, और हम लोग उसे कितना 2 से 3 साल खुद से 5 साल जानते हैं, और उसे 18 साल प्यार किया, तो उसके पास नहीं रह पाई है, मेरे पास आ चुकी है, तो कौन सी बात से जिंदगी जमीन छोड़कर दूसरे किसी पास नहीं जाएगी, कोई गारंटी है? और जो लड़का उसकी बाप माँ के बात में चलता था, वो लड़का मेरे बात कहने पर मेरे पास आ चुका है, ठीक है, वो कोई बात का गारंटी है मुझे छोटे कोई दूसरी लड़की के पास नहीं जाएगा, कोई बात का गारंटी है क्या आपके पास? नहीं है ना, नहीं है, तो फिर क्या लव किधर है? तो कोई लव नहीं है, ठीक है, लव नहीं है, टाइम पास बोलता है, टाइम पास तो समझ लो टाइम पास होता है और कुछ नहीं, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं आपको समझना चाहूँगा। ये बात इतना ही बोलना चाहूँ, लव बहुत जरूरी है। आज बहनों विशेषकर बहनों से बोलना चाहती हूँ, आप लोग इस लव का रास्ते को छोड़ दीजिए, लव के रास्ते में छोड़ोगे तो आगे भी देख पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं, पूरा दुनिया ब्लास्ट हो, पूरा दुनिया में अंधेरा हो गया, ठीक है। एक चीज बोल रही है, दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है, छोटी नहीं है, ये दुनिया बहुत बड़ी है, इस दुनिया के साथ जीवन के लिए बहुत बड़ा जीवन लगे जीना पड़ता है। आप लोग बात बताइए, ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, जो उसके बाद और कुछ आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोग समझे हो कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए जय जय भारत।